सबसे पहले तो ये शो ऑफ किया जा रहा है, बहुत ही प्यारा शो था और इतने कम टाइम में इतना प्यार पाना फैंस का बहुत बड़ी चीज होती है। तो सर, इस चीज को आप किस तरीके से देखती हैं, क्या कहना है इस जर्नी के बारे में? आई थिंक फॉर मी द राइट वर्ड वुड बी ग्रेटफुल, दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इतने प्यारे से शो का हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला, और इससे ज़्यादा ग्रेटफुल बिकॉज आई हैव गॉट सच लवली फैंस हू हैव लव्ड अस। सो या आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड अगर बात की जाए तो जब शो स्टार्ट हुआ था व्हेन आप किसी से इतनी मिली नहीं थी एंड जब एक साथ काम करो तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, हमने कल भी देखा और हमेशा ही देखते ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन की बॉन्डिंग, तो आप किसके साथ सबसे प्यारी बॉन्ड शेयर करते हैं? I won't be able to pick one because apparently for me funny thing is that I have a different bond with everyone, like Meera aur Meenka ka bahut hi alag nutkhat sa hai, Meera aur Maya ka we have a different set of topics on which we discuss, me and Vaibhav have so many things to talk about all the time and we discuss a lot, so I think I share a different bond with everyone. I share a very good bond with everyone from the crew, Gitanjali ji, like jo Savita ji play kar rahi hain unke saath mera bahut acha hai, and I can take advices also from her, so I love her to the core. Same goes for Shreya, same goes for Aditi, she is a goofball, she is the naughtiest kid actually on the set, so I share amazing bonds with everyone including the kids, we sometimes play Uno and everything, so it's fun. शो ऑफ ईयर तो चला जाता है बट फैंस के दिलों में जो रोल्स रहता है हमेशा जिंदा रहता है, वो प्यार हमेशा कायम रहता है, तो वेल आप यहाँ से कौन सी प्यारी सी मीठी यादें लेके जा रही हैं? बहुत सारी मीठी यादें लेके जा रही हूँ बट मोर ओवर ज़्यादा कैरेक्टर से ज़्यादा आई थिंक मेरा जो है ऑफ स्क्रीन जो बॉन्ड रहा है सबके साथ वो आई विल रियली चेरिश फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। कोई ऐसी स्टोरी शेयर करना चाहेंगे जो आपको हमेशा ही याद रहने वाली हो और फैंस ना जानते हो? यहाँ पे एज सच कोई स्टोरीज एज सच इतनी ज़्यादा बनी नहीं ऑनेस्टली, बहुत शॉर्ट स्पैम था तो इतने ज़्यादा टाइम में हमें कुछ इतना ऐसा कुछ ज़्यादा करने का मौका नहीं मिला बिकॉज आई थिंक इट टेक्स टाइम फॉर समवन लाइक मी ऑल्सो, इट टेक्स टाइम टू गेट लिटिल मोर फ्रेंडली विद पीपल, सो इवन दो आई एम वेरी फ्रेंडली बट स्टिल आई थिंक वो नॉटीनेस फ्रैंकनेस या ऐसी जो नटखट चीज़ें जो आप जिंदगी भर याद रहती हैं वैसी अभी इस सेट पर नहीं हुई हैं, तो आई थिंक इस सेट पर एक चीज़ जो मुझे याद रहेगी, इट्स अ वेरी पेट फ्रेंडली सेट, सो आई लव द फैक्ट दैट वी हैव डॉग्स, वी हैव कैट्स, वी हैव एवरीथिंग हियर। सो एक जर्नी खत्म होती है तो दूसरी जर्नी स्टार्ट होती है, वेल हम आपको और आपके फैंस आपको कहाँ पे ऐसे क्यों न्यू प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं या पाइपलाइन में कौन सी स्टोरीज हैं? देखिए पाइपलाइन में जो बातें चल रही हैं वो तो अभी इट्स ऑन अ वेरी इनिशियल स्टेज, सो इट विल बी टू सून फॉर मी टू टेल यू अबाउट दैट बिकॉज राइट नाउ इवन आई डोंट नो हाउ एंड वेयर इट्स गोना अनफोल्ड, so that will be a different story but I think I'm sure we're going to connect very soon, meanwhile I'm just going to be going ahead and trying to sign a good project for you guys to see you guys really soon. Thank you so much. Jaate jaate lastly darshakon ko kya kehna chahiye? Aapke dher sare pyar ke liye thank you so very much, aise hi hame dher sara pyar karte rahiye, much love to all of you as well and God bless you all. Thank you. Thank you.